हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल. सो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस. सो एज आई गेस एवरीवन नोज कि नाउ द ग्रेड अप इज बायजूस एग्जाम प्रेप. तो ग्रेड अप का नाम बदल के अब क्या हो चुका है, बायजूस एग्जाम प्रेप, जैसा कि आप मेरी टी शर्ट में देख रहे होंगे. सो प्रीवियसली यहां पे क्या लिखा रहता है, ग्रेड अप लिखा रहता था, अब इसका नाम हो गया है बायजूस एग्जाम प्रेप. ओके, सो मैं बहुत देर से, काफी देर से मैं टेलीग्राम पे मैसेज आप लोगों के देख रहा था, आप कुछ लोग ये पर्सनल मैसेज भी मेरे पास आए एंड काफी सारे स्टूडेंट्स काफी दुखी उन्होंने दिखाया कि सर हम अटैचमेंट था, ये था, वो था, चेंजेस होने से हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं. ऐसा बहुत सारी बातें निकल के आई. सम स्टूडेंट्स आर फीलिंग लो कि सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है. ठीक है, अच्छी, ओके. सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट सिनेरियो. सिंपल सी बात है गाइस, when we are attached to some particular thing for a long period of time, it creates an attachment. Definitely होता है, सबके साथ होता है. मैं भी अभी तक ग्रेड अप का एम्प्लॉय था एंड नाउ आई एम ए बायजूस एम्प्लॉय. सो इट्स अ कनेक्शन कि आप एक शब्द से, एक नाम से अपनी एक पहचान बनाते हैं, वो पहचान आपको कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट देती है. ओके, सो दैट हैपन्स. ओके, एंड आप लोगों का नॉस्टैल्जिक होना डेफिनेटली बिल्कुल सही है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग गलत, आप लोगों का जो बिहेवियर गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है. ठीक है, बट बींग योर टीचर आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी to guide you in this such kind of scenario of change. ठीक है, तो इस बदलाव के दौर में आप कैसे, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, आपको मोटिवेट करने का काम मेरा है. सो आपको एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों मैं. ठीक है, सो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इससे पहले, अभी जब आप ग्रेड अप से जुड़े, उससे पहले भी आप कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे. जैसे अभी हम लोगों ने आज जो कुछ पिछले कुछ जब लॉकडाउन के पीरियड में हमने स्पेशली देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ी. ओके, वी हैव सीन कि देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन. बट उससे पहले यूजुअली लोग ऑफलाइन पढ़ते थे. तो फिर हाँ, लोगों ने स्टार्टिंग में ऑफलाइन क्लास को मिस किया. बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आए कि सर ऑफलाइन में मजा आता था, ऑनलाइन में मजा नहीं आता. बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि हमको तो बस ऑफलाइन ही पढ़ना है. बट धीरे धीरे यू स्टार्टेड लर्निंग एंड देन यू स्टार्टेड एंजॉइंग. तो आपने धीरे सीखा और आप एंजॉय भी करते हैं. अब आप ऑनलाइन क्लासेस बहुत मजे करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट चेंज. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लाइफ, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इन दिस लाइफ, दैट इज चेंज. ओके, सो चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट. सो बदलाव ही इकलौती एक चीज है जो हमेशा निरंतर रहेगी. तो ये सिर्फ ग्रेड अप से बायजूस होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हमेशा आपकी जिंदगी का लेसन है. ठीक है, सो परिवर्तन जिंदगी का, संसार का नियम है. परिवर्तन तो होना है. ठीक है, सो उस परिवर्तन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, और डेफिनेटली ग्रेड अप का बायजूस होना पॉजिटिव ही है हर हाल में, बिकॉज विथ अ बिग नेम कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ बिग एक्सपोजर ऑल्सो. ओके, एंड एज वेल एज ह्यूज अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज ऑल्सो. तो अभी तक ग्रेड अप आपको जो अपनी तरफ से दे पा रहा था, बिकॉज ग्रेड अप बहुत सारी फ्री क्लासेस अरेंज करता था, पेड क्लास, सब कुछ था, बहुत सारी चीजें थी, बट स्टिल देर इज अ बेसिकली लैक ऑफ बेसिकली फंडिंग का थोड़ा बहुत इशू था. बट नाउ द ग्रेड अप इज बिगर. ओके, नाउ ग्रेड अप बायजूस का पार्ट है. सो डेफिनेटली बायजूस इज अ बिग कंपनी, सो उससे डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा. एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो. आप लोगों को ये बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलेंगी जो अभी तक हम देते थे, उससे और ज्यादा बेहतर. ठीक है, टीचर्स तो हम ही लोग हैं, स्टूडेंट्स वही हैं, आप लोग भी वही हो, हम भी वही हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जुड़ेंगे. सो इट विल गोइंग टू बी अ लवली जर्नी. ठीक है, तो उसमें परेशान किसी को नहीं होना है. सो मैं समझ सकता हूं आज थोड़ा दुख होगा आप लोगों को. वो जो हरा हरा कलर आपको देखने की आदत थी, ग्रीन स्क्रीन आपकी होती थी और बहुत सारी चीजें, तो उससे पर्पल हो गया है. बट पर्पल भी कोई बुरा कलर नहीं है, इट्स अ कलर ऑफ जॉय. ठीक है, तो उसको जॉय को समझिए और बस ये सोचिए कि और अच्छा अच्छा आपको क्या मिलने वाला है. ठीक है, तो जो पेड स्टूडेंट्स भी हैं तो घबराइए मत, आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा. ना कोई रेट चेंजेस हो रहे हैं, जो आपके प्राइसेस आपने पे किए थे वही के वही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं. यू डजंट नीड टू पे एनीथिंग एल्स. आपको कुछ अलग से पेमेंट नहीं करना, आपको बस एक चीज काम करना है, ग्रेड अप ऐप को जो आपका था उसको अपडेट कर लेना, जिससे वो बायजूस एग्जाम प्रेप हो जाएगा और सारी जो फैसिलिटीज है आपको ऑटोमेटिकली एज इट इज मिल जाएंगी, बिल्कुल भी विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंज. ठीक है, नाम बस चेंज रहेगा, माय सुपर की जगह माय कोर्स दिखेगा. ठीक है, ग्रेड अप ग्रीन कार्ड की जगह टेस्ट सीरीज दिखेगा, खत्म काम, और कुछ नहीं. बाकी सब वही है, फैकल्टीज वही है, पढ़ाने वाले वही है, नोट्स वही रहेंगे. जो पहले डाउनलोड नोट्स किए थे, जो पहले क्लास देखी थी, वो भी दिखेंगी. रिकॉर्डेड क्लासेस भी कहीं नहीं जाने वाली. ठीक है, सो बस मेरा ये मैसेज था दोस्तों कि इस बदलाव की घड़ी में घबराना नहीं है, जस्ट ये सोचना है कि इस बदलाव में और क्या, बिकॉज जिंदगी हमेशा आपको एक अच्छी आगे तरफ ले जाती है. ठीक है, जिंदगी का नियम क्या है कि आपको आगे ले जाती है. तो बस यही है. तो ग्रेड अप भी अब बढ़कर बायजूस एग्जाम प्रेप हो चुका है.
ग्रेड अप ने भी तरक्की की है, बायजूस एग्जाम प्रेप हो चुका है, तो डेफिनेटली आप लोगों का भी तरक्की होगी जो काफी लंबे वक्त से ग्रेड अप के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल होगा, जब ग्रेड अप का हुआ है तो आपका भी होगा डेफिनेटली, ठीक है। सो इसी मैसेज के साथ एक चीज याद रखिए कि देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ, दैट इज चेंज, ओके। सो ये हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, आज के लिए नहीं हमेशा के लिए, हमेशा आप जिंदगी में खुश रहेंगे, कभी घबराएंगे नहीं, ठीक है। चलिए बाय बाय गाइस, थैंक यू, एंड अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे वो लोग भी थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, ठीक है, फाइन। चलिए बाय बाय।